गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज शिखा शर्मा एंड आई एम अ टीचर बाई प्रोफेशन एंड माई चैनल नेम इज टीच लर्न एंड ग्रो विद मी। तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी रिलेटेड टू एयरफोर्स स्कूल टीचिंग वैकेंसी एंड अबाउट द आपका लाइब्रेरियन का सिलेबस क्या होगा अगर आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। तो सी, जो भी आपने कोर्स किया है अपने लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन बुक्स को पढ़ना ना भूलिए। आपको बुक्स में काफ़ी टॉपिक मिलेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज देयर, आपके कितने टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइब्रेरी में क्या रूल्स होते हैं, लाइब्रेरी फाइनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस कैसे की जाती है लाइब्रेरी की, ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, तो ये सब आपको करके जाना है। एंड जो आपकी जो भी बुक्स होंगी आप उसको करना ना भूलिए। एंड वट एवर इज देयर इन द बुक्स वो डेफिनेटली आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द कोर्स, जो भी आपकी कोर्स बुक्स हैं जो आपने पढ़ी है अपने कोर्स के टाइम पे लाइब्रेरी के, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दैट। एंड वन मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके, जीके दी जाएगी उसके अंदर, आपको जीके भी कम्प्लीट करनी है। एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, दैट इज द जनरल पार्ट, तो ये सब पार्ट आप करके जाएंगे। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू दैट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। पर येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो भी आपकी लाइब्रेरियन से रिलेटेड कोर्स की बुक्स हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम जो होगा आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव आएगा। हार्डली पूरे पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।